Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar Series के Day 11 में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं. विशेषण जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये विशेषता बताने का काम करता है. किन वर्ड्स की ये विशेषता बताता है ये सब आप आगे इस वीडियो में सीखेंगे. तो इस वीडियो में आप ये समझने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एडजेक्टिव्स की डिग्रीज, जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा. तो इस वीडियो के एंड तक आपको ऐसे कुछ अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं जिससे आप ये सीख सकते हैं कि हम किसी एडजेक्टिव से उसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं जहाँ की हमसे बिल्कुल भी गलती ना हो. इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वो टिप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वो पूरी जिंदगी काम आएंगे. एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हो तो क्योंकि मैंने जो सीरीज़ की शुरुआत की है ये बहुत ही बेहतरीन है, आपकी इंग्लिश लर्निंग को और आपकी ग्रामर की नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली है. तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें. सो लेट्स बिगिन. गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर रिमाइंड करा दूं कि अगर इस सीरीज की एक भी वीडियो आपने मिस कर दी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं. अब हम शुरुआत करते हैं इस लेसन की एडजेक्टिव के डेफिनेशन के साथ. तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताता है. ठीक है, सो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जब कुछ और वर्ड्स लगा के हम उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि वो विशेषता बताते हैं. अब विशेषता का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी है तो केवल वही विशेषता है. कोई चीज़ अगर बुरी है और ये बता रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वो वर्ड भी एडजेक्टिव ही कहलाएंगे. जैसे मैं कहूँ कि रोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है. और अगर मैं बोलूँ रोहन इज अ बैड बॉय तो बैड भी एडजेक्टिव है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंसेस. द कैट इज बिग, तो कैट क्या है, नाउन है, और बिग क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि बिल्ली बड़ी है. तो बिल्ली के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है इस बिग के जरिए, सो ये एक एडजेक्टिव है. अब इसी चीज को हम पोजीशन अलग करके देखते हैं, द बिग कैट इज हंग्री, तो यहाँ पे नाउन के जस्ट पहले बिग आया है और ये एडजेक्टिव है, और साथ ही हंग्री भी एक एडजेक्टिव है. नेक्स्ट इज द कैट इज बिग एंड ब्लैक, तो यहाँ पे आप देखिए कि दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं. जो बिल्ली है उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो बिग है और ब्लैक है, मतलब बड़ी है और काले रंग की है. बिल्ली बड़ी और काले रंग की है. नेक्स्ट इज शी इज ब्यूटिफुल, तो शी क्या है, प्रोनाउन है. जैसा कि मैंने बताया कि एक एडजेक्टिव नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में भी बताता है, तो प्रोनाउन है शी. शी के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल. ही इज टॉल, ही एक प्रोनाउन है और टॉल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ही के बारे में विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ और बता रहा है, ही इज टॉल. ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं एडजेक्टिव्स को. और मैं बता दूं कि एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, किस तरीके की चीजों को ये डिस्क्राइब करते हैं ताकि आप अच्छे से पहचान सकें, टेस्ट, टच, साउंड, कलर, साइज, शेप, टाइम, अमाउंट, इमोशन, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, सिचुएशंस एटसेट्रा. ओके, अब इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. टेस्ट जैसे कि स्वीट, यमी, साउर, सॉल्टी. टच हो गया शार्प, सिल्की, सॉफ्ट, स्लिपरी. साउंड है जैसे कि साइलेंट, नॉइजी, मेलोडिक, सॉफ्ट. तो ये जब सेंटेंसेस में आएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे कि मैं बोलूं द फूड
फूड इज यमी, मतलब कि खाना बहुत यमी है, जायकेदार है, लेमन इज सावर, नींबू खट्टा है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स यूज होते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे देखते हैं, कलर हो गया रेड, ग्रीन, पिंक, व्हाइट। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं द लीफ इज ग्रीन, ठीक है, शॉर्ट, टॉल, साइज के लिए यूज होता है, बिग, स्मॉल, शेप हो गए राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, ओवल, टाइम में जैसे कि रेगुलर, क्विक, ओल्ड, एंसियंट, अमाउंट के लिए वन, टेन, लिटिल, मेनी, सम। इमोशंस को व्यक्त करते हैं, हैप्पी, रोहन इज हैप्पी, रोहन इज सैड, ही इज नर्वस। पर्सनैलिटी में कोई शाय होता है, स्ट्यूपिड, हेल्पफुल। अपियरेंस में जैसे कि कोई किस तरीके से दिख रहा है, कोई फैट है, कोई अगली है, कोई स्पॉटलेस है, ब्यूटिफुल है, ठीक है। सिचुएशंस हो गए, इट्स हार्ड, सिंपल, ट्रिकी, बैड, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो इन इंग्लिश देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड दे आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स दे डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ द नाउन, ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड, ये लिमिटेड कर देते हैं। ये आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये मेन टू टाइप्स हैं, इनके अंदर अलग अलग टाइप्स हैं जो अब आप आगे सीखेंगे। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब हम सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो द फर्स्ट वन इज दिस। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। ये जाने जाते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि सेंटेंस में इनकी पोजीशन कहाँ पे है। सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं एडजेक्टिव्स प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, मतलब कि बिसाइड का मतलब होता है बगल, बिफोर और आफ्टर द नाउन। तो नाउन के जस्ट पहले या बाद में जो एडजेक्टिव्स आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं जो कि क्वालिटी बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक, तो यहाँ पे मैन नाउन है और स्टिक नाउन है, और मैन के पहले आया है फैट जो कि क्वालिटी बता रहा है मैन की, तो ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और स्टिक के पहले आया है बिग, तो बिग एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज रोहन इज अ काइंड बॉय, यहाँ पे बॉय नाउन है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि काइंड है, ठीक है। तो काइंड एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये तो आपने देखा कि नाउन के पहले आए हुए हैं। अब देखिए द म्यूजिक मेड द रूम नॉइजी, तो यहाँ रूम को डिफाइन कर रहा है ये नॉइजी, तो ये वर्ड एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन के जस्ट बाद आया है। नेक्स्ट इज यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो ये मी जो है प्रोनाउन है और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है एंग्री, ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो नाउन के जस्ट पहले या बाद में आने वाले जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। और नेक्स्ट इज प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स प्लेस्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ड, यानी कि लिंकिंग वर्ड के बाद आने वाले जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे द मैन इज फैट, इज एक लिंकिंग वर्ब है और फैट एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। रोहन इज काइंड, इज एक लिंकिंग वर्ब है और काइंड जो है ये एडजेक्टिव है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जैसे कि टू बी, टू बी वर्ब में इज एम आर वॉज वर्ब बी बींग बींग ये हुआ, सीम अपीयर, उसके अलावा जो सेंस वर्ड्स होते हैं जैसे लुक, फील, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा, ये सब लिंकिंग वर्ड्स में आते हैं। तो यहाँ आपने क्या सीखा, एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर अ नाउन, ठीक है, ज्यादातर नाउन के पहले आता है, समटाइम्स आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद, और अ वर्ब यानी कि आफ्टर अ वर्ब जो कि होता है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इससे आप
एडजेक्टिव्स को पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। और सबसे बड़ी पहचान एडजेक्टिव्स की यही है कि वो कोई ना कोई क्वालिटी बताते हैं, उनमें कोई ना कोई बात ऐड करते हैं नाउन और प्रोनाउन में। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के बारे में। तो ये होते हैं 9, ठीक है, वन बाय वन हम समझते चलेंगे। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और वो है ए, एन और द। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और द डेफिनिट आर्टिकल है। तो इनडेफिनिट और डेफिनिट का फर्क ये है कि ये अनिश्चित चीजों को बताते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला आई सॉ अ लॉयन, दैट मीन्स कि कोई भी लॉयन हो सकता है, या फिर आई सॉ एन एंट, तो कोई भी एंट हो सकती है, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं। और जब मैंने आपको ये बोल ही दिया कि आई सॉ अ लॉयन, तो फिर मैं उस लॉयन की बात करूंगी तो वो स्पेसिफिक हो गया कि जो मैंने देखा था। तो मैं बोलूंगी द लॉयन वॉज बिग, शेर बड़ा था। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक लॉयन की बात की क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसमें हमने द लगाया। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, ए है, एन और द, ठीक है। नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पजेसिव जैसा कि नाम से है कि पजेशन बताएगा, माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। दिस इज योर फोन, जो आपके हाथ में फोन है उसके लिए मैंने बोला दिस इज योर फोन, ये आपका फोन है। तो हम इस तरीके से इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं नाउन के जस्ट पहले, ठीक है, माय हाउस। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्या है, दिस, दैट, दीज, दोस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस, दैट, दीज, दोस डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। अब इसमें क्या फर्क आता है कि कुछ प्रोनाउन कहलाते हैं और कभी ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो आपने प्रोनाउन में भी इन्हें पढ़ा है, लेकिन प्रोनाउन में ये अकेले यूज होते हैं और जब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो ये नाउन के साथ आते हैं। तो यहां मैं बोल रही हूँ दैट लॉयन वॉज स्केरी, दैट लॉयन, जो लॉयन मैंने देखा था उसकी बात मैं कह रही हूँ, दैट लॉयन वॉज स्केरी, वो शेर डरावना था। तो यहाँ ये दैट एडजेक्टिव है क्योंकि ये लॉयन के साथ आया है। अगर मैं सिर्फ ये बोलती दैट वॉज स्केरी, तो मैं लॉयन का नाम न लेती, तब वो दैट प्रोनाउन कहलाता, लेकिन जब ये नाउन के साथ आया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट प्रोनाउन्स भी आपने पढ़े, ये एडजेक्टिव्स हैं जैसे मेनी, एनी, फ्यू, ऑल, लेकिन फर्क वही है कि ये नाउन के साथ आएंगे और वो अकेले आते थे। There were a few people, वहां कुछ लोग थे। तो यहाँ पे people के साथ few आया है, ये indefinite adjective है। और next is all kids should come, all, ये भी एक indefinite adjective है कि सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। Next is interrogative adjectives, तो ये क्या होंगे, which और what, जो प्रश्न पूछते हैं। What color is this? तो what color के साथ आया है what color is this, तो ये एक adjective है। Which subject do you like? तो subject noun है और which क्या है adjective है, which subject do you like, ठीक है। Next is proper adjectives। Proper जैसा कि मैंने आपको बताया था proper noun कौन से होते हैं, जब हम किसी specific nouns की बात करते हैं जिनका कि कोई नाम और वो हमेशा capitalized होते हैं, तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हीं प्रॉपर नेम्स से बने होते हैं, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, इसलिए सेंटेंस में आप इन्हें पहचान लेंगे, ये सेंटेंस के बीच में भी आएंगे तो कैपिटल लेटर्स से ही शुरू होंगे। डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम्स, तो ये प्रॉपर नेम्स से बने हैं, जैसे कि फूड क्या है, नाउन है, और मैं बोलूँ चाइनीज फूड, तो चाइनीज चाइना के नाम पे बना है इसलिए ये प्रॉपर एडजेक्टिव है चाइनीज फूड। इंडियन गर्ल, इंडिया से बना इंडियन, इंडियन गर्ल यानी कि भारतीय लड़की। तो ये जब किसी नाम से, किसी प्रॉपर नेम से बनते हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्डिनल एडजेक्टिव्स। मॉडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग, तो जैसे जो नंबर्स होते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, तो जब आप इनका जिक्र करते हैं नाउन के साथ तो वो सब कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसे सिक्स बुक्स, आई हैव सिक्स बुक्स, आई हैव सेवन पेन्स, ठीक है। तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स।
कार्डिनल थे नंबर्स 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल वो होते हैं जब हम इस तरीके से बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे कि द फर्स्ट बॉय, द थर्ड डेट, द फिफ्थ मंथ, इस तरीके से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। तो कभी कभी नाउन्स ही यूज हो जाते हैं दूसरे नाउन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि अ हिंदी टीचर, तो टीचर एक नाउन है लेकिन किस चीज की टीचर है, हिंदी की, तो ये हिंदी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अ हिंदी टीचर। द बुक फेयर, तो फेयर एक नाउन है और फेयर किस चीज का है, बुक का, तो बुक भी एक नाउन है लेकिन जब यहाँ पे बोला जा रहा है द बुक फेयर, तो यहाँ बुक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से और भी वर्ड्स होते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में। कंपाउंड एडजेक्टिव्स मतलब मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मोस्टली इनमें हाइफन्स का यूज होता है, जैसे नैरो माइंडेड, कहते हैं ना नैरो माइंडेड पर्सन, हाईली रिस्पेक्टेड, मिडिल एज, टाइम सेविंग, गुड लुकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग, स्मोक फ्री, फुल लेंथ, फैट फ्री, एटसेट्रा। तो ऐसे वर्ड्स कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब आपने टाइप्स सीख लिए, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम सीखेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो गाइज अब चलिए सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम इन्हें यूज कब करते हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं यानी कि तुलना करते हैं दो चीजों या दो लोगों की, या फिर दो से ज्यादा चीजों या दो से ज्यादा लोगों की, तब हम यूज करते हैं इन एडजेक्टिव्स को। और ये बता दूं इंग्लिश में तीन फॉर्म्स है कंपैरिजन की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी कहे जाते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो ये वर्ड्स हैं ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड, जैसे कि बिग है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म है बिगर, सुपरलेटिव है बिगेस्ट। जैसे कि अगर मुझे सेंटेंस में बोलना है कि राम लंबा है तो मैं बोलूंगी राम इज टॉल, और अगर मुझे बोलना है राम रोहन से लंबा है तो कंपेयर कर रही हूं, तो मैं यहां बोलूंगी राम इज टॉलर देन रोहन। तो यहां दो लोगों में कंपेयर हुआ इसलिए हमने यूज किया टॉलर, और वो आता है कंपैरेटिव फॉर्म में, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री हुई टॉल की, टॉलर। और अगर मुझे ये बोलना है कि राम कक्षा में सबसे लंबा है तो मैं बोलूंगी राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब कि पूरे कक्षा में वो सबसे लंबा है। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की टॉलेस्ट, और उसके साथ हमने ऐड किया द, और आप ध्यान दें कि जब हमने टॉलर यूज किया था तो उसके बाद मैंने बोला था दैन, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम ये देखेंगे कि हम इन बेस फॉर्म्स यानी जो पॉजिटिव डिग्री है उससे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, जिसमें आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपने इन रूल्स को समझ लिया तो आप ऑन द स्पॉट, यानी कि अगर एग्जामिनेशन में आया है तो आप वहीं पे बना के बोल सकते हैं, और अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए तो भी आप समझ सकते हैं कि हाँ इसके लिए हमें क्या यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले दो सिंपल रूल्स हमेशा याद रखिएगा। शॉर्ट एडजेक्टिव्स, शॉर्ट यानी कि जो छोटे एडजेक्टिव्स हैं, छोटे वर्ड्स हैं, उसमें आप कंपैरेटिव में ER ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव के लिए EST ऐड कर देंगे। और जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं यानी कि जो थोड़े लंबे वर्ड्स हैं, उनमें आप मोर और मोस्ट ऐड करेंगे। तो ये आप उसी वर्ड में ऐड करते और ये आप उन वर्ड्स से पहले ऐड करेंगे। कंपैरेटिव के लिए मोर ऐड कर देंगे, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ऐड कर देंगे। ये बेसिक हो गया, ठीक है। दो चीजें आप याद रखें कि छोटे हैं तो ER और EST ऐड कर देंगे वर्ड में ही, और अगर बड़े वर्ड्स हैं तो आप मोर लगा देंगे उसके पहले और मोस्ट लगा देंगे। अब वन बाय वन रूल को समझते चलते हैं। द फर्स्ट रूल इज वन सिलेबल एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव वन सिलेबल है। अब समझते हैं कि सिलेबल क्या होता है। तो एक सिलेबल वो होता है जिसमें एक वोवेल साउंड आए, तो वन सिलेबल यानी कि डार्क, डार्क एक ही वोवेल साउंड आया ना, आ, डार्क, डार्क और कोल्ड, ये दोनों ही वन सिलेबल वर्ड्स हैं। तो इसमें आप कंपैरेटिव के लिए यूज करेंगे ER ऐड कर देंगे, सुपरलेटिव के लिए EST ऐड कर देंगे। डार्क का बन गया डार्कर, कोल्ड का कोल्डर, और सुपरलेटिव में बन गया डार्केस्ट और कोल्डेस्ट, सिंपल। अब जो दूसरा रूल है वन सिलेबल एंडिंग विद ई, अभी आप ER और EST ऐड कर रहे थे लेकिन जब वर्ड में खुद ही ई हो लास्ट में
तो जस्ट ऐड आर और एस टी, मतलब फिर से ई नहीं ऐड करना है। तो अगर लेट है तो हो गया लेटर और लेटेस्ट, सिर्फ आर ऐड किया यहाँ, यहाँ पे एस टी ऐड किया। वाइज, डब्ल्यू आई एस ई, ऑलरेडी ई है तो सिर्फ आर ऐड किया वाइजर, एंड एस टी ऐड किया वाइजेस्ट। क्लियर? अब है एंडिंग विद वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ई आर और ई एस टी। इसका मतलब है कि अगर वर्ड में लास्ट में एक वोवेल आए उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए, जैसे कि फैट में है वोवेल ए फिर कॉन्सोनेंट टी, तो लास्ट में क्या आया वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है ये, इसको डबल कर देना है और फिर उसमें ई आर एड कर देना है और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी एड कर देना है। तो चलिए यहां देखते हैं, फैट है तो ये बन गया एफ ए टी था, ये टी टी हो गया, एफ ए टी टी ई आर फैटर, एच ओ टी था एच ओ टी टी ई आर हॉटर, और यहां पे टी टी ई एस टी फैटेस्ट और सॉरी हॉटेस्ट, ठीक है, डबल टी एच ओ डबल टी ई एस टी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी वोवेल और कॉन्सोनेंट पे एंड हो तो आप लास्ट वाले फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे फिर ई आर और ई एस टी एड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब ये हो गए वन सिलेबल वर्ड्स के लिए, अब है टू सिलेबल्स एंडिंग इन वाई। अगर टू सिलेबल है और वाई से एंड हो रहा है देन चेंज वाई टू आई, यानी कि वाई को बदल के आई बना देना है एंड एड ई आर और ई एस टी। तो बिजी, बी यू एस वाई, ये वाई पे एंड हो रहा है, यहां पे हमने बोला बी यू एस, वाई को चेंज किया आई में और ई आर एड किया, बिजियर बिजिएस्ट, देखिएगा वाई की जगह आई यूज किया। इसी तरीके से हैप्पी, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, वाई नहीं है, वाई को हमने चेंज करके आई लगाया फिर ई आर लगाया और ई एस टी लगाया यहां पे। क्लियर? ये हो गए चार रूल्स। रूल नंबर फाइव इज टू सिलेबल्स नॉट एंडिंग इन वाई, जिसमें वाई नहीं आते, जैसे कि यूजफुल, सो यूज मोर एंड मोस्ट। यूजफुल टू सिलेबल है, वाई से एंड नहीं हो रहा है, आपने बोला मोर यूजफुल, यहां मोर ऐड कर दिया और यहां पे मोस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था लॉन्ग वर्ड्स के लिए, लॉन्ग एडजेक्टिव्स के लिए ऐड मोर एंड मोस्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, सो और एड ई आर एंड ई एस टी, जैसे कि नैरो, नैरो में आप नैरोअर और नैरोएस्ट भी बोल सकते हैं और मोर नैरो एंड मोस्ट नैरो भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से सिंपल में सिंपलर और सिंपलेस्ट भी बोल सकते हैं और मोर सिंपल और मोस्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए अगला है रूल नंबर सिक्स इज थ्री और मोर सिलेबल्स, यानी कि तीन या फिर तीन से ज्यादा सिलेबल्स के लिए ऑलवेज यूज मोर एंड मोस्ट। अगर तीन या फिर तीन से ज्यादा सिलेबल्स हैं यानी कि लंबे वर्ड्स हैं तो आप हमेशा मोर और मोस्ट यूज करेंगे, वहां पे ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते। जैसे एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे आप बोलेंगे मोर एक्सपेंसिव या फिर मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, पॉपुलर, पॉपुलर में मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये रूल सीखे। अब आप देखिए कुछ होते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव्स, जैसे मैंने आपको बताया था इररेगुलर वर्ड्स, तो उसमें क्या था कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग होती थी, एक ही जैसे चेंज नहीं होती थी, वैसे ही इररेगुलर एडजेक्टिव्स में भी होगा। आप हमेशा गुड को तो जानते ही हैं, गुड बेटर बेस्ट, तो ये इररेगुलर एडजेक्टिव में ही आता है। गुड में आप गुडर गुडेस्ट नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे गुड बेटर बेस्ट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बैड के लिए बैड बैडर बैडेस्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बैड वर्स वर्स्ट। इसी तरीके से लिटिल के लिए लिटिल लेस लीस्ट, मच मोर मोस्ट। इसी तरीके से फार फार्दर फार्देस्ट। ठीक है, अब आपने सीख लिया ये रूल्स, साथ ही साथ इररेगुलर एडजेक्टिव्स भी जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें ध्यान देने वाली हैं, जो आप कंपैरेटिव डिग्री ई आर वाले यूज करते हैं उसमें आप दैन का यूज करते हैं उनके बाद, और जो आप सुपरलेटिव वाले बिगेस्ट डार्केस्ट कोल्डेस्ट यूज करते हैं उसके पहले आप द का यूज करते हैं। ठीक है, और कई बार हम ऐसे भी कंपेयर करते हैं कि हम ये बताते हैं कि इक्वल है। ठीक है, जैसे मुझे कहना है मीरा इज एज टॉल एज सीता, तो यहाँ पे हमने एज और एज का यूज किया, ये देखिए।
ठीक है, एज टॉल एज सीता, इसका मतलब कि मीरा उतनी लंबी है जितनी कि सीता, यानी कि मीरा सीता जितनी लंबी है। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी बता रहे हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं है, ज्यादा कम कुछ भी नहीं है। तो हमने एज और एज का यूज किया और बीच में ये एडजेक्टिव यूज किया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का लेसन आपने खूब एंजॉय किया हो। आज जो चीजें आपने यहां सीखी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं जरूर कहूंगी, देखने में भले ही लगे कि बहुत सारे रूल्स हैं, मुश्किल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक बार समझना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत आसान है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, और ये एक लैंग्वेज है, तो धीरे धीरे करके आप सब कुछ सीख जाएंगे, और प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे डे 12 में, और वहां आप सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। वीडियो में जो भी पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। बाय फॉर नाउ।